ये बात तब की है जब मथुरा का राजा दुष्ट कंस हुआ करता था। वह बहुत निर्दयी और क्रूर राजा था। मथुरा के निवासी उसके क्रूरता और निर्दयता से भयभीत रहते थे। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। देवकी का विवाह वासुदेव नाम के एक सज्जन पुरुष के साथ तय हुआ था। विवाह संपन्न होने के बाद वासुदेव और देवकी रथ पर सवार हुए। कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने के लिए खुद रथ चला रहा था। तभी अचानक से कंस को आकाश से एक आवाज सुनाई दी। दुष्ट कंस, सावधान! जिस बहन से तुम इतना प्यार करते हो, उसकी आठवीं संतान ही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगी। यह सुनकर कंस अत्यंत क्रोधित हो गया। देवकी, इससे पहले तुम उस आठवीं संतान को जन्म दो, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। जैसे ही कंस देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा, वासुदेव ने उसको रोकने की कोशिश की। रुक जाओ कंस, देवकी तुम्हारी बहन है, तुम अपनी ही बहन को कैसे मार सकते हो? इसकी आठवीं संतान मेरे मृत्यु का कारण है, मुझे इसका वध करना ही होगा। इसकी आवश्यकता नहीं है कंस, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि तुम देवकी को जीवन दान देते हो तो मैं अपनी आठों संतानों को तुम्हें सौंप दूंगा। ठीक है, लेकिन तब तक तुम मेरे बंदी बनकर रहोगे। उसने देवकी और वासुदेव को बंदी बनाया और कारागार के सिपाहियों को हर बच्चे के जन्म की खबर देने को कहा। एक दिन जब कंस अपने महल में बैठा था, तब उसे समाचार मिला कि देवकी ने एक संतान को जन्म दिया है। कंस तुरंत कारागार जा पहुंचा। देवकी, मुझे यह बच्चा दे दो। नहीं भैया, आप कैसे एक मासूम बच्चे का वध कर सकते हैं? यही मासूम बच्चा बड़ा होकर मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। इससे पहले वो मेरा वध करे, मैं उसका वध कर दूंगा। कंस ने बच्चे को छीन कर बड़ी बेरहमी से उसे भूमि पर पटक दिया और उसी क्षण उसे मार दिया। और इस प्रकार कंस ने देवकी के 7 संतानों को मार डाला। अंत में देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई। कंस ने सारे सिपाहियों को चौकन्ना रहने को कहा। फिर एक रात मथुरा में एक भयानक आंधी आई जो पूरी रात चलती रही। मध्यरात्रि होते ही देवकी की 8वीं संतान का जन्म हुआ। तभी अचानक भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। देवकी, मैंने तुम्हारे शिशु के रूप में अवतार लिया है। वासुदेव, तुम शीघ्र ही इस बच्चे को गोकुल ले जाओ और नंद गोपाल के जन्मे हुए बच्चे से बदल दो। देवकी, शीघ्र ही इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसे नंद गोपाल के यहाँ छोड़ आऊंगा। जैसे ही विष्णु गायब हुए, वासुदेव के हाथों पैरों से बेड़िया एवं कारागार के दरवाजे खुल गए। कारागार के सारे सैनिक भी घोर निद्रा में सो रहे थे। वासुदेव अपनी 8वीं संतान को एक टोकरी में डालकर गोकुल की ओर चलने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए सहस्रनाम उनके साथ चलने लगे। देवकी, मुझे यह बच्चा दे दो। जैसे ही कंस उस बच्ची को छीन कर भूमि पर पटकने का प्रयास किया, तभी वह बच्ची ने देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। दुष्ट कंस, तूने निर्दोष बच्ची को मारने की कोशिश करके अपनी क्रूरता का परिचय दे दिया है। देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है और गोकुल में सुरक्षित है। जब समय आएगा, वह तेरा वध करके समाज को तेरी क्रूरता से मुक्त करेगा। ये कहकर देवी दुर्गा गायब हो जाती है। कृष्ण को मारने के लिए कंस ने अनगिनत प्रयास किए, परंतु हर बार वह असफल रहा। कृष्ण अपनी लीलाएं दिखाते रहे और फिर वह दिन भी आ गया जब कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को
धनुष यज्ञ के लिए मथुरा आने का निमंत्रण दिया। इसके बाद कंस ने मल्ल युद्ध के लिए उन्हें ललकारा। कृष्ण ने सारे पहलवानों को हराने के बाद कंस को चुनौती दी। कंस, अब पृथ्वी पर तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। मूर्ख बालक, समय मेरा नहीं तेरा समाप्त हुआ है। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से कंस का वध कर दिया और मथुरा वासियों को कंस के निर्दयी राज से मुक्ति दिलवाई। To watch more videos like this, subscribe and press the bell icon to get our updates.